दोस्तों, घर को बनवाते समय आप खर्च कैसे बचा सकते हैं, कैसे आप लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए की बचत कर सकते हैं अगर आप एक बड़ा घर बनवा रहे हैं। अगर आप छोटा भी घर बनवा रहे हैं तो उस हिसाब से आप बचत कर सकते हैं, ये आज हम डिफाइन करने वाले हैं घर को बनवाते समय। दोस्तों, बचत करना, छोटी छोटी आपकी गलतियां या छोटी छोटी आपकी मिस्टेक आपके जो बजट होता बढ़ा देती है, उसी छोटी छोटी गलतियों का अगर आप ना करें तो आपके घर को बनवाते समय 2 से 3 लाख रुपए अप्रॉक्स बचा सकते हैं। हम आपको आज डिफाइन करने वाले हैं वो सारे स्टेप्स, वो लगभग 10 से 12 पॉइंट बताने वाले हैं, जिन स्टेप्स को आप फॉलो करके, जिन पॉइंट्स को ध्यान में रख करके आप घर बनवाते समय पैसे को, एक अच्छा खासे पैसे को बना सकते हैं, बचा सकते हैं। तो वीडियो आपको पूरा देखना है, और चैनल स्मॉल हाउस प्लान को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि यहां पर मैं घर के नक्शे और ऐसे ही वीडियोज, जैसे कि घर के में डोर्स कौन से लगवाएं, पीवीसी डोर लगवाएं या वुडन डोर लगवाएं, एल्युमिनियम डोर लगवाएं, ये सारी जानकारी देता रहता हूं। वीडियो को आप पहले से लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जो पहले मैंने एक लिस्ट बना रखी है कि पहले, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिएगा, मैं बात करता हूं जगह चुनने की। अगर आपके पास बड़ी सी जगह है और आप चाहते हैं घर को बनवाना, तो जगह चुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितना स्पेस चुना जाए, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप शहर में बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर उतना ही लोग जगह लेते हैं जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे 20x50, 20x60, तो आप वहां पर कोई जगह चुनने का ऑप्शन नहीं है। बट अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप घर बनाते हैं तो आपको ये नहीं कि आप पूरा 1 बीघे जमीन घेर लें, आप 200 स्क्वायर फीट जमीन घेर लें, उसे कोई लाभ नहीं है। हम लोगों को रहने के पर्पज से घर बनवाना है तो उतनी जगह बनानी है जिसमें आपके लगभग 2 से 3 बेडरूम बन जाए, किचन लेट बाथ वगैरह बन जाए, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो सकता है आपको 10 बेडरूम की आवश्यकता हो, तो जगह उतनी लें जितनी आपकी आवश्यकता हो। क्योंकि अगर आप कम जगह ले लेते हैं, सपोज दैट आप 30x30 का जगह ले लेते हैं, लेकिन आपको ज्यादा बेडरूम्स की आवश्यकता होती है जो ग्राउंड फ्लोर पर नहीं बन पा रही, तो आप डबल स्टोरी बनवा लीजिएगा, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर बनवाने में आपका खर्च बढ़ता है। दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर में अगर आप ज्यादा जगह घेरने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आपकी जगह बढ़ेगी, मतलब कि बजट बढ़ेगा। अगर उसी जगह को आप कम में बनवाएं लेकिन आप सेकेंड स्टोरी बनवा लें, डबल स्टोरी बनवा लें, तो आपका पैसा यहीं कम से कम 50 से 60 हजार रुपए आप बचा लेंगे। आप सोच कर देखिए, अगर ग्राउंड फ्लोर से आप बनवाएंगे तो आपको प्लर की खुदाई करवानी पड़ेगी, न्यू की खुदाई करवानी पड़ेगी, उसमें लेबर कॉस्ट लगेगी, मटेरियल कॉस्ट लगेगा, तो वो सारा पैसा आप यहीं से बचाना स्टार्ट कर देंगे। और अगर आप सेकेंड स्टोरी बनाएंगे तो नीचे जो एरिया लगा उसमें तो आपका पैसा लगेगा, बट ऊपर आपका बजट कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, तो यहीं से आप 50 से 60 हजार रुपये आसानी से बचा लेंगे। सेकेंड थिंग्स आती है दोस्तों, घर लोग बनाना स्टार्ट कर देते हैं, कोई प्लानिंग नहीं होती है, कोई उनके पास मैप नहीं होता है, फिर क्या होता है, आज किसी ने यहाँ बना दी, फिर जब बनने के बाद लगता है यार ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा, मेरा बाथरूम इधर बन गया, फिर लोग बोलते हैं बाथरूम अच्छी जगह नहीं बना है, इसे तोड़ना पड़ेगा। तो ये बिना प्लानिंग के घर बनाने की वजह से होता है, और यहाँ पर जब आप तोड़ा फोड़ी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका मटेरियल वेस्ट होगा, आपका लेबर वेस्ट होगा, आपका समय वेस्ट होगा। अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग है, अगर आप इंजीनियर से एक नक्शा बनवा लेते हैं, भले ही आप एक रफ डिजाइन बनवा लें, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको सारी चीजें बताएगा इंजीनियर कि कहां पर आपको 9 इंच की वॉल बनानी है, कहां पर पिलर बनाना है, कहां पर आपकी सीढ़ियां बनेगी, कहां पर लेट बाथ बनेगा, कहां पर किचन बनेगा। तो वेल प्लान्ड घर बनाने में आपको बहुत सारा पैसा, यहां पर भी आप लगभग 50,000 रुपए की बचत करते हैं, और आपका, क्योंकि अगर आप बिना प्लानिंग के घर बनाएंगे तो आप, हो सकता है सभी जगह 9 इंच वॉल बना दें, जहां जरूरत नहीं वहां भी 9 इंच की वॉल बनवा दें। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी मिस्टेक्स हम लोग करते हैं और घर में एक बहुत पैसा लगा देते हैं। तो सेकंड, पहला हो गया जगह चुनना, दूसरा हो गया आपके पास एक नक्शा होना चाहिए, आपके पास एक लेआउट होना चाहिए घर बनवाने के समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो आप बात कर रहे हो, तीसरा जो पॉइंट हम आज डिस्कस करने वाले हैं, मैंने दोस्तों नोट डाउन कर रखे हैं, आप समय का सही चुनाव करें, किस महीने में आपको घर बनवाना उचित रहेगा। जैसे कि अभी फरवरी दोस्तों चल रहा है, तो बहुत ही उचित मंथ है घर को बनवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मौसम बहुत अच्छा है, लेबर ज़्यादा देर काम कर पाएगी, वहीं अगर आप तराई करेंगे ना, जो पानी डाला जाता है वो करेंगे, तो वो भी यहाँ पर कम लगता है।
तो दोस्तों एक उचित समय का चुनाव भी आपके घर में घर को पैसे बनाने में एक कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाता है। अगर आप सर्दियों में भद्दर सर्दी पड़ रही, कोहरा पड़ रहा है, आपने घर बनवाना स्टार्ट कर दिया, आज जो लेबर है वो ठिठुरते हुए आएगी, 11 बजे काम स्टार्ट करेगी, 4 बजे बंद कर देगी, आपका काम मात्र 5 घंटे हुआ और आपको 8 घंटे लेबर जो चलता है अप्रॉक्स करना है, तो आप उचित समय का ख्याल रखें, उचित समय को चुने घर बनवाते समय। ये थर्ड पॉइंट हो गया। जो चौथा पॉइंट है दोस्तों मेटेरियल से रिलेटेड है कि आपको घर बनवाते समय कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहां पर मैं दो चीजें बताऊंगा। अगर आप एक कमर्शियल बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो आप ब्रांड की तरफ मूव करें। अगर आप रहने के पर्पज से 1 या 2-3 घंटे तक घर बनवा रहे हैं तो आप लोकल ब्रांड का प्रयोग करें। बस ध्यान ये रखें वो ISO सर्टिफाइड हो। जो भी मटेरियल्स आप यूज करें, जैसे कि सरिया की बात करें, सीमेंट की बात करें, तो ISO सर्टिफाइड हो बट लोकल ब्रांड। क्या होता है अगर बड़ी कंपनी टाटा की आप स्टील यूज कर रहे हैं, सरिया यूज कर रहे हैं, तो वहां पर ब्रांडिंग का इतना पैसा होता है। आप अगली मार्केट में अगर जाएंगे, लोकल ब्रांड अगर आपका 6,000 रुपए क्विंटल मिल रहा होगा, तो वहीं आपका जिंदल टाटा की सरिया लगभग 8,000 रुपए क्विंटल मिलेगी। तो इसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है, बट हाँ क्वालिटी तो कहीं ना कहीं मैटर करती। बट अगर आप एक भारी भरकम बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तब आप ब्रांड की तरह मूव करें। अगर आपको 2 से 3 खंड बना रहा तो आप लोकल ब्रांड को ही पकड़ें, लेकिन बस ISO सर्टिफाइड होना चाहिए, ये आप देख लें। वहां पर उन छोटी सी कंपनियां होती हैं, वो ब्रांडिंग में पैसा नहीं खर्च करती हैं, इस वजह से उनका रेट भी कम रहता है। तो सरिया की बात हो गई। वहीं सीमेंट की बात करें कि दोस्तों सीमेंट में आपको कौन सी सीमेंट लगवानी चाहिए, क्योंकि ये भी मैटर। सीमेंट मार्केट में दोस्तों दो प्रकार की आती है, एक PPC और एक OPC, पोर्टलैंड पूजलैंड सीमेंट और वहीं ऑर्डिनरी पूजलैंड सीमेंट। तो आपको PPC सीमेंट लगवानी चाहिए, ये लगभग आपके 15 से 20 रुपए पर बैग सस्ती होती है। ये ध्यान रहे 15 से 20 रुपए पर बैग सस्ती होती है। और आप सीमेंट जब भी मंगवाएं तो बल्क में मंगवा लें। अगर आपके पैसा है आपके पास तो आपके अगर 1,000 स्क्वायर फीट में 350 से 400 बैग यूज हो रहा है सीमेंट के, तो आप बल्क में सीमेंट मंगवा लें, या जहां से आप सीमेंट ला रहे वहां पैसा जमा कर दें बल्क में, तो आपको उसी रेट पर मिलेगा। बल्क में सीमेंट भी सस्ती मिलेगी, आपको जितनी जरूरत हो वहां से आप उठाते रहे। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट था। अब बात करते हैं मटेरियल में ब्रिक्स की, कि कौन से ब्रिक्स यूज करने चाहिए। देखिए दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पर तो मैं अब बोलूंगा क्ले ईंट जो आती है, क्ले ब्रिक्स मतलब कि जो मिट्टी ईंट बनी होती है वो यूज करिएगा। बट जब आप फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं तो वहां पर लोड कम हो जाता है, तो वहां पर आप कहीं ना कहीं ब्लॉक ईंटों का यूज कर सकते हैं। जो आपने देखे होंगे ब्लॉक ईंट्स इस समय चल रहा है दोस्तों, ब्रिक्स चल रहा है, उनका यूज कर सकते हैं। तो उसमें आपका समय और साथ साथ एक साथ लंबाई पकड़ता तो लेबर कॉस्ट कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है। देखिए ब्रिक्स जो क्ले ईट आता है, जो मिट्टी के ईट आता है, वो छोटा होता है साइज में और उसको रखने में। जाहिर सी बात है अगर आप 10 ब्रिक्स लगाएंगे तो वो आपका 10 फीट जगह कवर करेगा, वो वहीं पर 15 फीट जगह कवर कर ले, बट समय इक्वल रहेगा। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद टाइल्स का अगर प्रयोग आप कर रहे हैं, घर बनने के बाद लोग टाइल्स लगवाते हैं, एक ट्रेंड है अभी, तो टाइल्स को भी दोस्तों आप नॉन ब्रांड की तरफ जाएं। कजारिया तहत बड़े बड़े ब्रांडों को मत यूज करें, क्योंकि वहां पर भी कहीं ना कहीं आपका ब्रांडिंग का पैसा इस्तेमाल होता है और पैसे उसमें ज़्यादा आपको देने पड़ेंगे। अगर वहीं लोकल ब्रांड आप लेंगे तो 35 से 40 रुपये स्क्वायर फीट पड़ता है, वो जो आपका ब्रांड का लेंगे तो 60 से 65 रुपये स्क्वायर फीट पड़ता है, जो कि 20 रुपये स्क्वायर फीट अप्रॉक्स वो भी आपका कहीं ना कहीं लगता है। और घर में टाइल्स लगवाते समय एक चीज़ का और ध्यान रखें, आप एक कलर का ही टाइल्स यूज करें। अगर आप मल्टीपल कलर के टाइल्स यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं लेबर जो लगाने वाली होगी उसको समय ज्यादा देना पड़ेगा, कटाई छटाई में समय ज्यादा देना पड़ेगा, तो ज्यादा पैसा लगेगा। जाहिर सी बात है लेबर बढ़ेगा तो समय बढ़ेगा और पैसा आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो एक लोकल ब्रांड और एक ही कलर यूज करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं पैसा रिड्यूस होने वाला है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, विंडो और डोर कैसे बनवाएं। तो देखिएगा ये भी बहुत ही बड़ा फैक्टर है। लोग क्या करते हैं, पूरे घर में लोहे का दरवाजा, लकड़ी का दरवाजा लगवा लेते हैं, बट उसका यूज क्या है आप ये सोचिएगा, उसका यूज क्या है दोस्तों। हाँ, जो बाहरी आपके डोर है, बाहरी विंडो है, उनको आपको मजबूत लगवाना चाहिए लकड़ी या लोहे की, बट अंदर जो इंटीरियर डोर या आप लगवा रहे हैं, विंडो लगवा रहे हैं, उनका सिर्फ आपको एक सेपरेशन के लिए लगवाया जाता है दोस्तों। वहां पर कोई बहुत तोड़फोड़ नहीं की जाती है, आपको भी पता होगा। तो आप जितना हो सके PVC डोर यूज करें, आप एल्यूमिनियम के डोर यूज करें, मतलब कि सस्ते वाले। अगर लकड़ी का भी यूज किया आप करना चाहते हैं तो जो बने
बनाए डोर आते हैं, कंपनियां बनाती हैं, वो सस्ते पड़ते हैं। आप खुद से बनवाएंगे एक डोर अगर, तो आपको भाई 6,000 से 7,000 रुपए का पड़ेगा। अगर आप एक कंपनी से बना बनाया डोर ले आएंगे तो आपको 35,000 से 4,000 रुपए का पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंस है। तो आप देखिए क्या होता है, लोग चाहते हैं लग्जरी घर बने तो फिर पैसा लगे, लेकिन आप पैसा अगर बचाना चाहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आप पीवीसी के डोर, एल्युमिनियम के डोर से लगवाइएगा, या फैक्ट्री मैन्युफैक्चर डोर्स आते हैं उनको यूज करिएगा, तो आपका यहाँ पर भी कम से कम 20,000 से 30,000 रुपये बचेगा। आप दोस्तों आजमा कर देख लीजिएगा, जब भी आपने अगर बनवाया होगा, कभी आप बनवाने जा रहे हैं तो इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही पैसा बचने वाला है। देखिए लोगों को क्या है, देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में वीआईपी डोर्स लग रहे हैं, दोस्तों बहुत महंगे पड़ते हैं। आपको यूज के इंटीरियर में क्या यूज है डोर का आप बताइएगा, सिर्फ सेपरेशन के लिए, सिक्योरिटी ऑलरेडी आपका बाहरी दीवारों से हो चुकी है आपके घर की। हाँ मैंने पहले ही बोला था कि बाहरी डोर दरवाजे आप लकड़ी या लोहे के लगवा सकते हैं, इसके अलावा आप अन्य यूज करें। इसके बाद हम जो अगला पॉइंट कवर करने वाले हैं पेंट और पुट्टी का, तो पेंट पुट्टी बिल्कुल कराइएगा, बट एक कोट आप पुट्टी कराइएगा, इसके बाद प्राइमर लगवा दीजिएगा, बेहतरीन फिनिशिंग आएगी दोस्तों आपके घर पे, तो पेंट पुट्टी का काम हो गया। इसके बाद किचन, दोस्तों क्या होता है किचन, दोस्तों मॉडलर चाहते हैं आजकल, सभी की ख्वाहिश होती है, बट किचन अगर मॉडलर चाहते हैं तो एल्युमिनियम आप यूज कराइएगा। एक मॉडलर किचन एल्युमिनियम से भी बेस्ट बनता है, वो सस्ता पड़ता है, अगर आप प्लाई वगैरह यूज करते हैं वो महंगा पड़ता कहेंगे, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें। और जो लास्ट पॉइंट आपका है दोस्तों, छत की मोटाई, छत की मोटाई दोस्तों आप 6 इंच रखिएगा। आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स नहीं बनानी है, आप 6 इंच रखिएगा, वेल एंड फाइन। अगर आप 1 इंच भी बढ़ा देते हैं तो आपका मटेरियल लेबर सब कुछ बढ़ जाता है, और 1,000-2,000 नहीं बढ़ता दोस्तों, कम से कम 5,000 से 10,000 रुपये बढ़ जाता है पर इंच, इसका विशेष ध्यान रखें। तो ये छोटी छोटी गलतियां हम लोग करते हैं। इसके बाद लास्ट ऑन लीस्ट लास्ट पॉइंट है लेबर या कॉन्ट्रेक्टर। हम घर लेबरी दिहाड़ी पर बनवाएं या कॉन्ट्रैक्ट देकर बनवाएं, तो देखिए ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो जाहिर सी बात आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट देंगे तब भी आप कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें ध्यान रखें कि आप केवल लेबर का कॉन्ट्रैक्ट दें, ना कि मटेरियल का। मटेरियल आप दें कॉन्ट्रैक्टर को, और कॉन्ट्रैक्टर अपना बनाकर आपको दे दे, बट उसमें आपको एक बंदा रखना पड़ेगा, ध्यान देने चीज़ें होती कि कॉन्ट्रैक्टर घर सही बना रहा है नहीं बना रहा है, इसको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर भी बहुत से किस्म के लोग होते हैं दोस्तों, वहाँ पर भी धांधली करने की कोशिश करते हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। एक बंदा रखना है जो प्रॉपर देखता रहे कि आपका घर कैसा बन रहा है, आपको मटेरियल देना है तो वहाँ पर भी पैसा बनेगा। अगर आप दिहाड़ी से घर बनवाते हैं, देखिए मैं ग्रामीण क्षेत्र से दोस्तों बिलोंग करता हूँ, तो मैं जानता हूँ, मैंने अभी घर 2 घर बनवाए, तो मैंने देखा मेरे यहाँ लगभग दोस्तों 140 से 155 रुपए स्क्वायर फीट कॉस्ट आता है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं लेबर का, मिस्त्री लेबर सब लाता है, मटेरियल आपको देना पड़ता है। तो अगर 1,000 स्क्वायर फीट है तो लगभग 1,60,000-1,70,000 के आसपास बैठता है, क्योंकि वो केवल 1,000 स्क्वायर फीट एरिया नहीं नापते हैं, इसमें लेटली जो आपका टैंक बनता है ना, सेफ्टी टैंक, उसका भी एरिया नापते हैं। अगर आप स्लैब बनवा रहे हैं कहीं, जो छत्ती बनवा रहे हैं उसका भी एरिया नापते हैं वो लोग, जो आप 3 फीट का 2.5 फीट का छज्जा निकाल लेते हैं उसका भी आपका एरिया नापते हैं। तो आपका 1,000 फीट का जो स्क्वायर फीट का मकान होगा ना, वो आपका 1,200 से 1,300 स्क्वायर फीट बनता है जाके, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए 160 रुपये स्क्वायर फीट के, लगभग 1,70,000 से 80,000 आपका कॉन्ट्रैक्टर ले जाएगा जो लेबर और मिस्त्री देगा। लेकिन वहीं अगर आप दिहाड़ी पर बनवाते हैं, रोजंदारी पर बनवाते हैं, तो दोस्तों मेरे यहाँ की मैं बात करूँ कानपुर की, 700 से 750 रुपये मिस्त्री का पर डे का जो चार्जेस है, और लेबर लगभग 400 से 450 रुपये आपको मिल जाता है। तो अगर आप ऐसे बनवाएंगे प्रॉपर समय देकर एक बंदे को, तो आप इसमें दोस्तों कम से कम मैं बता रहा हूँ 30,000 से 40,000 रुपये का प्रॉफिट कमाएंगे। दिहाड़ी में मकान जल्दी बन जाता है और बेहतरीन बनता है, इसका ध्यान रखें। कॉन्ट्रैक्ट हम लोग देते हैं कि ज़्यादा माथापच्ची ना करना पड़े, बट इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा आपको। अगर दिहाड़ी पे मकान बनवाएंगे, आपके पास समय है तो आप दिहाड़ी पर बनवाइए, बशर्ते आपके यहाँ लेबर कॉस्ट कम होनी चाहिए और प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए। इसके बाद अगर ये नहीं आप कर सकते तो आप कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, बट कॉन्ट्रैक्ट उतना दीजिए कि लेबर का और मिस्त्री का, मटेरियल आप खुद प्रोवाइड करिएगा, एक बंदा रखिएगा, इसके बाद आप बनवाइएगा। तो कहीं ना कहीं वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा, जो मैंने 8 से 10 पॉइंट आपको बताएं, इन
पॉइंट्स को आप फॉलो करिएगा, आप घर को बनवाते समय 2.5 से 3 लाख रुपए बचा लेंगे। और इसके बाद अगर आप वीडियो जो भी हमारा देख रहा होगा ना, जब बनवाएंगे और जब घर बनकर रेडी होगा, तो आप एक बार हमें धन्यवाद जरूर करेंगे कि मैंने सर स्मॉल हाउस प्लान का वीडियो देखा था और आज मैं मकान को बनवाते समय 2 से 2.5 लाख रुपए की बचत में हूं और मेरा मकान वेल फिनिश्ड वेल प्लानिंग के साथ बनवाया जो कि बेहतरीन बना। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप आसानी से पैसा बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने इतना ही सीखा। वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। चैनल स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक्स।